Hello everyone, as you all know that I love to do editing. लेकिन मुझे फोटोग्राफी भी काफी ज्यादा पसंद है। लेकिन एक सेकंड, मैंने ये वाली फोटोज यहां पर ली कैसे? तो मैंने यूज करा है यहां पर ब्लेंडर। तो चलो मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि इन्हें क्रिएट कैसे करना है। तो ये वाली जो बिल्डिंग है इसको हमें GLTF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ से GLTF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना और इसके बाद मैं आऊँगा ब्लेंडर में और यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा GLTF फॉर्मेट में हमारी उस बिल्डिंग को। तो ये रही हमारी बिल्डिंग और यहाँ पर इंपोर्ट हो गई है। तो इंपोर्ट होने के बाद आपकी बिल्डिंग कुछ ऐसी लगेगी और यहाँ से जो सारी बिल्डिंग है वो एक MT के साथ कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर जाके सारे ऑब्जेक्ट को शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्ट करूँगा और Ctrl J से मैं ज्वाइन कर दूँगा। तो ये सारी बिल्डिंग ज्वाइन होगी और इसके बाद मैं यहाँ से जो ये MT है इसे डिलीट कर दूंगा और इसे भी डिलीट और यहाँ से इसे बंद कर दूंगा। तो और यहाँ से मैं मूव टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और 7 दबा के टॉप व्यू में जाऊँगा और Shift+D से मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ इसे और एक बिल्डिंग मैं यहाँ पर ले आऊँगा और Shift+D से डुप्लीकेट करके एक बिल्डिंग मैं यहाँ पर ले आऊँगा ताकि जो हमारा यहाँ पर बीच में स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पर ले आता हूँ और Shift+D से एक और डुप्लीकेट करके यहाँ पर ले आता हूँ। तो यहाँ पर हमारा बीच में स्क्वायर बन गया है। तो यहाँ से मैं जाके एक बार रैंडम कर लेता हूँ ताकि व्यूपॉइंट में सारे ऑब्जेक्ट्स अच्छे से दिखें हमारे। और इसके बाद Shift+A से मैं यहाँ पर एक कैमरा क्रिएट करूँगा और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पर रोटेशन है जो मैं इसको कर दूँगा 180 और वाई की वैल्यू को 0 और जी की वैल्यू को भी 0। तो अब आपको दिख रहा है कि जो हमारे कैमरा का व्यू है वो ऊपर की साइड हो गया है। तो मैं थोड़ा 7 दबा के टॉप व्यू में जाऊँगा और यहाँ पर इसको सेंटर में ले आता हूँ। 0 दबा के मैं कैमरा के व्यू पर चला जाता हूँ और यहाँ पर जाऊँगा मैं आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पर मैं 1080x1920 कर लेता हूँ रिजोल्यूशन को और G। तो कैमरा को मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ तो यहाँ पर सही है। और जाऊँगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ में कैमरा को सिलेक्ट करके और यहाँ पर जो फोकल लेंथ है मैं इसको कम कर दूँगा ताकि जो हमारा एंगल है वो वाइड आए। तो इतना काम हमारा हो गया है। इसके बाद यहाँ पर ये वाला प्लेन डाउनलोड करने वाला हूँ मैं, तो इसको भी आप लोगों को GLTF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है। तो इसके बाद मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट में जाके GLTF फॉर्मेट और यहाँ पर हमारी जो एरोप्लेन है उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो एरोप्लेन आ गई हमारी यहाँ और S दबा के मैं स्केल डाउन कर लूँगा और G डायरेक्शन ऊपर ले जाता हूँ और 7 दबा के टॉप व्यू में आ जाऊँगा और S से मैं इसे स्केल डाउन कर लूँगा और इसे मैं यहाँ पर ले आता हूँ सेंटर में कैमरा के और यहाँ से मैं देख लेता हूँ एक बार। तो ये बिल्डिंग से ऊपर ही है। 0 दबा के मैं कैमरा के व्यू पे आ जाऊँगा तो हमारी जो प्लेन है वो थोड़ी बड़ी लग रही है तो S से मैं स्केल डाउन कर लूँगा। तो यहाँ पर हो गया है। तो इसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर रेंडर प्रॉपर्टीज़ में और रेंडर इंजन को मैं साइकिल्स कर दूँगा और डिवाइस को मैं GPU कंप्यूट कर दूँगा और यहाँ पर मैं 100 कर देता हूँ व्यूपोर्ट में और यहाँ पर मैं 500 कर देता हूँ क्योंकि हम सिंगल फ्रेम रेंडर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ से रेंडर कर देता हूँ एक बार। तो इसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पर एनवायरनमेंट में और यहाँ पर जाके मैं स्काई टेक्सचर अप्लाई कर दूंगा और इसके बाद मैं स्काई जो सन की इंटेंसिटी उसको 0 कर दूंगा और सन साइज़ को भी 0 कर दूंगा और सन का जो एलिवेशन है मैं इसको थोड़ी प्लस में वैल्यू कर लेता हूँ इसकी और यहाँ पर ओजोन की वैल्यू को मैं इतना कर लेता हूँ और डस्ट को भी थोड़ा और एयर तो इतनी वैल्यू सही लग रही है। तो मैं यहाँ पर कैमरा को सिलेक्ट करके यहाँ पर कैमरा की प्रॉपर्टीज़ में जाके व्यू पोर्ट डिस्प्ले और यहाँ पर पासवर्ड डॉट की वैल्यू को 1 कर देता हूँ। तो यहाँ और इनको मैं कर देता हूँ ऑफ़। तो
अब हमारा सीन हो गया है रेडी बिल्कुल। तो यहाँ पर जाना है रेंडर में और यहाँ पर फिल्म में जाके ट्रांसपेरेंट को अनेबल कर देना है। आपका जो रेंडर है वो ट्रांसपेरेंट फॉर्म में रेंडर हो जाएगा, मतलब कि PNG। यहाँ पर आप स्काई लगा सकते हो आफ्टर इफेक्ट में जाके। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पर कंप्रेशन के वैल्यू को जीरो कर देता हूँ और यहाँ पर PNG है ही, और RGBA सेलेक्ट करके रखना है आपको, तभी ये ट्रांसपेरेंट रेंडर होगा। और यहाँ पर मैं डेस्टिनेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद वन फ्रेम और स्टार्ट और एंड फ्रेम बंद कर देते हैं क्योंकि हमें एक ही फ्रेम चाहिए। तो इसके बाद मैं Ctrl+F12 दबा के मैं रेंडर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा सीन हो गया रेंडर। इसके बाद मैं जाऊँगा आफ्टर इफेक्ट में। तो यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट ओपन हो गया, यहाँ पर मैं करूँगा डबल क्लिक और जाऊँगा वहाँ पर फाइल में जहाँ पर हमने रेंडर किया अभी। तो ये रहा वन, तो इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर इसको कंपोजिशन में डाल दूँगा। और इसके बाद हमें चाहिए एक स्काई का टेक्सचर। तो स्काई के टेक्सचर के लिए मैं ये वाला स्काई डाउनलोड कर रहा हूँ, आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसे कर लेता हूँ मैं इंपोर्ट आफ्टर इफेक्ट में और इस स्काई को मैं कर लेता हूँ यहाँ पर और इसकी एस दबा के मैं स्केल अप कर लेता हूँ और थोड़े क्लाउड्स वगैरह यहाँ पर आने चाहिए। तो यहाँ पर सही लग रहा है। इसके बाद मैं राइट क्लिक दबा के यहाँ पर न्यू में जाके एडजस्टमेंट लेयर लाऊंगा एक और मैं यहाँ पर इसके ऊपर इफ़ेक्ट अप्लाई करूँगा ल्यूमेट्री कलर और यहाँ पर जाऊँगा क्रिएटिव में और सैचुरेशन को मैं कर दूँगा 0 ताकि ये ब्लैक एंड वाइट हो जाए। इसके बाद मैं राइट क्लिक से यहाँ पर एक और एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करूँगा और यहाँ पर जाऊँगा और इसको होल्ड करके रखूँगा। तो यहाँ पर ये इलिप्स टूल वाला मास्क आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर मैं मास्क क्रिएट कर देता हूँ इसके ऊपर और थोड़ा मैं इसको इस साइड ले आता हूँ मास्क को और इस एडजस्टमेंट लेयर पर मैं अप्लाई करूँगा CC रेडियल फास्ट ब्लर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्लर और यहाँ पर जो मास्क है मैं इसको कर दूँगा सब्ट्रैक्ट, तो ये बाहर की साइड ही अप्लाई होगा। और यहाँ पर इस पर F दबाऊँगा तो मास्क की फैदर आ जाएंगी और इसको मैं कर दूँगा इनक्रीज। तो यहाँ पर हो गया। इसके बाद मैं चाह रहा हूँ थोड़ी ग्रेन्स वगैरह ऐड हो जाए हमारी सीन में, तो उसके लिए मैंने डाउनलोड करिए ये वाली जो ग्रेन्स है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आ गए, तो मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ पर इंपोर्ट और R दबा के मैं यहाँ पर 90 कर देता हूँ इसे और S, तो मैं S से इसके स्केल अप कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसे स्क्रीन कर दूँगा इसका जो ब्लेंड मोड है। तो ये स्क्रीन हो गया और इसके बाद मैं आप फुल स्क्रीन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा रेंडर था वो काफ़ी बढ़िया, बिल्कुल रियलिस्टिक कि ऐसा लग रहा है कि ये कोई फोटोग्राफ है। तो रेंडर काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो इन रेंडर्स को।